थैंक यू सो मच जी सर से पाव तक मैं आज अरमानी के नए कलेक्शन लोगो मैंने जो लॉन्च करने आया हूँ उसमें हूँ। मैं सूट्स का बहुत शौकीन हूँ, हमें फिल्मों में कई बार मौका नहीं मिलता उतना, लेकिन इस बार सूट पहनने का मौका मिला। और साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्वेटर है जो मैं चोरी करके घर भी ले जाऊँगा इसके बाद, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। और साथ में वाइट स्नीकर्स पहनने का मौका मिला, तो ये कॉम्बिनेशन कपड़ों का ऐसा है वेर यू आर फॉर्मल ऑल्सो बट यू आर कैजुअल ऑल्सो, जो सेमी फॉर्मल कहा जाता है। आई थिंक टुडे आई फील आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट थॉट प्रोसेस। और ब्रांड के कपड़े जो है बहुत ही उमदा है, बहुत ही लाजवाब है, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज वन, बट इसीलिए स्टाइलिश हमारी जिंदगी में नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वो धधम धधम मत कर देना कि अर्जुन कपूर ने की चोरी, धधम 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 ऐसे मत कर देना जी। मैं भी यूथ को ही फॉलो करता हूँ। हाँ यार आजकल क्या है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जो एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है जिसका नाम है पानीपत, विच इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आशुतोष गवारीकर हमारे डायरेक्टर साहब है, वो चाहते हैं कि जब मैं पेशवा के रूप में आऊँ पहली बार, वो इम्पैक्ट हो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। और वो इम्पैक्ट तभी आ सकता है जब आप पूरा लुक देखें और पूरी दुनिया देखें फिल्म की। अगर मैं ऐसे ही चल के निकलूँ शायद वो मज़ा फीका पड़ जाए या किरकिरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर की बात पर दम, इसीलिए मैं टोपी पहन के घूम रहा हूँ इतने दिसंबर से लेकर अभी तक, तो हर रोज़ टोपी पहनने की आदत हो गई, अभी तो अजीब लग रहा है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। और मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई रियली बिलीव दिस इज समथिंग वेरी यूनिक फॉर मी। आप मेरी मूंछ भी देखेंगे तो मैं ऊपर करके पहनता हूँ, यहाँ पे तो नीचे है लेकिन फिल्म में ऊपर करके पहनी है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बतौर एक्टर नहीं है, मैं मानता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए नहीं है, तो आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट वे फॉरवर्ड, तो आने वाले समय में ज़रूर दिखाऊंगा। जी आई थिंक देखिए सबसे ज़रूरी बात है, हर एक्टर की ज़िंदगी में हर फिल्म मायने रखती है। ऑफकोर्स मेरी इसके पहले दो और फिल्में आने वाली हैं, पानीपत के पहले इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड और संदीप और पिंकी फर। हर फिल्म अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने रिलेटिव की तरह होती है, तो यू कांट सेपरेट। बट यस पानीपत बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द लुक और एक जो जो दर्जा है कहानी का, इतने द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वी ऑल नो कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज थे उसके, किस तरह की हालात थे उस समय, तो आई नो कि इमोशनली बहुत बड़ी कहानी, चलने ना चलने वो ऑडियंस के हाथ में, वो हम फिल्म प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हाँ जैसे आपने कहा आजकल द ऑडियंस इज इवॉल्व, बहुत समझदार हो गई है, हर तरह की फिल्म अप्रिशिएट करती है, और स्पेशली पीरियड फिल्म्स हम देख रहे हैं, जैसे मैंने हाल ही में केसरी देखी, वो भी चली है, मनी करने का इस साल चली है, और उसके पहले भी अभी कलंक आ रही है जो कि फर्स्ट क्लास लग रही है। हाँ गली बॉय तो क्या पीरियड लेस है, वो तो कभी भी आ सकते हैं, वो आज के पीरियड की फिल्म है, लेकिन वरुण की आ रही है कलंक, वो भी पीरियड फिल्म है। तो आई थिंक आज माहौल ऐसा है कि यू कैन मेक व्हाटएवर यू वांट टू मेक एन ऑडियंस इज कमिंग।